हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि माय रीजन टू बाई अपाची 164V, मतलब मेरे क्या रीजन रहे कि मैं अपाची 164V ली। और ये बात कर लेते हैं कि हाथों 160 क्यों नहीं ली, क्योंकि 160 थोड़ी लुकिंग में पुरानी हो गई थी और उसमें 5-10 हज़ार या 15 हज़ार लास्ट मान लो इतने मिला के ऐसी बाइक मिल रही है। तो इसमें फोर वाल वगैरह हैं, दिखने में भी थोड़ी उससे अलग है। वो क्या मतलब गाँव का ही है तो उस चक्कर से भी। और तो अब बात करते हैं कि मतलब मैंने यही क्यों ली और कोई सी क्यों नहीं ली। जैसे मतलब ये भी मतलब 160 या 170 की तो पड़ती है, तो 2-1 लाख तक मतलब कौन कौन से मतलब 1.5 से 2 लाख तक अपने पास कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं। तो शुरू से बात करते हैं अपन। तो अपने पास रहते हैं MT15। तो MT15 क्यों नहीं ली, क्योंकि उसकी सीट की वजह से उसकी सीट छोटी है और इस चक्कर से नहीं ली, क्योंकि ये हमको बाइक थी डेली यूज़ के हिसाब से या घर के हिसाब से, मतलब जो मतलब हर कोई चला सके घर के मेंबर वगैरह वैसे, और ज़्यादा मतलब वैसे ही नहीं हो, मतलब नॉर्मल टाइप की हो। और दूसरी अपन बात करेंगे स्टैंडर्ड आ सकती थी इस रेट में, भी इससे 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं बस, 30 से मान लो। तो स्टैंडर्ड की तो क्या रीसेल वगैरह ही बढ़िया रहती है, लेकिन स्टैंडर्ड इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमको जैसे मैंने स्प्लेंडर रखे मॉडिफाई, तो दूसरी बाइक ऐसी चीज़ थी जो मतलब सिंपल रहे और सिंपल के अंदर ही मतलब सही सी लगे मतलब। तो इसमें क्या है मतलब ज़्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही रखेंगे इसको, स्प्लेंडर को क्या है कैसे ही करा लो। अब स्टैंडर्ड को बिना अलॉय और बिना मतलब कुछ मॉडिफिकेशन कराए वो अच्छी नहीं लगती, मतलब हमको चाहिए थी बिल्कुल सादा। तो इसमें क्या है बिल्कुल सादा और स्पोर्ट्स, मेरे को पर्सनली स्पोर्ट्स बाइक पसंद है, इस ये इतनी नहीं पसंद लेकिन स्पोर्ट्स ज़्यादा पसंद है मेरे को। जैसे फुल्ली फेयरिंग वाली बाइक जैसे KTM RC और R15 फिर ये अच्छी लगती है, लेकिन क्या करें ये घर के हिसाब से थी तो उसमें ये सही बैठ रही थी इसके अंदर। और माइलेज वगैरह भी और इंजन भी देखा जाता है बाइक का, इसका क्या है पल्सर N160 भी देखी थी मैंने, NS भी देखी थी, तो सारों में मतलब सही सी निकल के यही आ रही थी, मतलब ठीक था हमको ये बैठ रही थी, तो इसलिए ये लिए। और कोई ज़्यादा कोई खास रीज़न रहा है नहीं कि मतलब मैं कुछ भी बोल दूँ, मतलब ये रीज़न थे हमारे तो इसलिए लिए मैंने भाई। सबके अपने देखो अलग अलग रीज़न होते हैं, मेरे कुछ रीज़न थे उस हिसाब से लिए मैंने। डेली यूज़ में भी काम है ले सकूँ कुछ इस बाइक को मैं, तो ये डेली यूज़ में भी काम आ सकती है क्योंकि अब माइलेज थोड़े दिनों बाद मतलब सही देगी माइलेज, 40-45 का देगी, स्प्लेंडर से 10-15 का कम देगी लेकिन ठीक ठाक देगी, मतलब स्कूटी से तो ज़्यादा ही देगी माइलेज, पहले स्कूटी थी ना उससे तो ज़्यादा ही देगी। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, एक बाइक ऐसी भी चीज़ है हमको मतलब जिसमें चलने मतलब थोड़ी सही हो, क्योंकि हम पहले से स्प्लेंडर यूज़ कर रहे हैं तो स्प्लेंडर गया, अब नई वाली स्प्लेंडर दी हो थोड़ी दब के चलती है तो उससे थोड़ी सही चले। बस ये था अच्छी वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो बाइक जब भी लें तो अपने खुद दूसरों के कहने के साथ नहीं लें, जो खुद को जो क्या नीड हो रही है उस हिसाब से लेनी चाहिए बाइक, जो आपको भी बाद में भी ना पछताओ। तो यही था आज की वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।